दोस्तों आपके परिवार में 2 सप्ताह से अधिक खांसी वाले व्यक्ति हैं तो क्या करें? अगर आपके पास पैसे भी नहीं है इलाज करने के लिए तो कहाँ जाएं? साथ ही साथ सरकार की ये स्कीम है और सरकार ये सुविधा दे रही है, आपको जानने के लिए इस वीडियो को देखें। और सबसे पहले, हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो से फ़ायदा ले सके। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे कि आपके घर या आपके आसपास या आपके मोहल्ले में किसी 2 सप्ताह से अधिक खांसी वाले व्यक्ति हैं तो आप क्या करें। पूरी जिम्मेदारी लें, चूंकि ये टीबी बीमारी उसे हो सकती है। टीबी एक जो है लाइलाज बीमारी है, लेकिन समय से वो अगर दवाई ले लेते हैं, उनका इलाज हो जाता है तो स्वस्थ हो जाते हैं। यानी टीबी बीमारी, संक्रमित बीमारी को रोकथाम करने के लिए आपको भी आगे आना होगा, क्योंकि आप उस समाज में जीते हैं, उसी हवा में प्रवेश में सांस लेते हैं, आपको भी हो सकती है। चले दोस्तों, इस वीडियो का आगे बढ़ाइए और साथ ही साथ लोगों को जागरूकता कीजिए कि टीबी बीमारी को रोकथाम के लिए सभी को जिम्मेदारी लेना बेहद ज़रूरी है। 2 सप्ताह से अधिक खांसी किसी बच्चे को हो रहा हो, किसी बूढ़े को या किसी जवान को, चाहे आसपास के आप किसी को भी, तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, DMC में जाएं, वहां पर अपनी बलगम की जांच कराएं। बलगम की जांच के बाद अगर टीबी निकला जाता है तो उसे मुफ्त में दवाई दी जाती है, और दवाई पूरे कोर्स की दवाई मुफ्त में दी जाती है, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की देख रेख में उसे खिलाया जाता है और पूरा कोर्स को पूरा किया जाता है। और जब तक वो स्वस्थ नहीं हो तब तक उसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य केंद्र में देखभाल का ये भी काम है, उसे देखभाल किया जाता है। तो दोस्तों, सरकार द्वारा उसे खाने पीने के लिए कई स्कीम का भी योजना बनाई है, जो आपके स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी उपलब्ध है। आप वहां पर जाएं, प्रभारी से मुलाकात कर जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, और टीबी मरीज आपके घर में है, किसी बड़ों को पकड़ लिया है, किसी बुजुर्ग को पकड़ लिया या महिलाओं को हुआ है, तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए भी सरकार दवाई दिया जाता है ताकि उन बच्चों को टीबी बीमारी का असर ना पकड़े। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, नज़दीकी DMC में जाएँ और पूरी जानकारी लें और टीबी रोकथाम के लिए आगे बढ़ें, चूँकि जानलेवा बीमारी है और लगातार लोग पैसे की अभाव से बाहर नहीं जाते हैं, पैसे की अभाव से जो है सरकारी स्वास्थ्य केंद्र नहीं जाते हैं, और कुछ लोग जो है ये अफवाह फैलाए हुए हैं कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज नहीं हो पाता है। पूरे दावे के साथ सरकार टीबी का इलाज कर रही है, और सरकार जो है पूरी देख रेख के साथ कर रही है। सरकारी हॉस्पिटलों में सारी सुविधाएँ मौजूद है, चाहे वो ब्लड के टेस्ट का मामला हो, या बलगम की जाँच हो, या ब्लड जाँच हो, या एक्सरे का मामला हो, या सीबीनेट की जांच हो, पूरी जांच मुफ्त में किया जाता है। अगर आपके रोगी को टीबी नहीं होता है तो वहां पर OPD में दिखाकर दवाई भी लिया जाता है, जो मुफ्त में दवाई मिलता है आपके सरकारी केंद्र स्वास्थ्य केंद्रों पर। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, इसी तरह से जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या फेसबुक में देख रहे हैं तो